मैं बहुत थक गया। अरे मेरा बच्चा थक गया, ये ले जल्दी से ना ये जूस का गिलास। नानू मैं भी थक गई। और तूने कौन सा पहाड़ तोड़ा है जो तू थक गई है? नानू मैंने भाई से एक चक्कर ज्यादा लगाया। तो कौन सा कमाल किया है, मोटी लड़कियों को ना पतला होना जरूरी होता है। चलो लगा दो तीन चक्कर। उठ उठ नानू। अरे चलो उठ नानू की बच्ची, उठ। अरे चलो चल मेरा बच्चा पी ले, देख कैसे दौड़ दौड़ के रंग सुरख कर लिया। नानू सादिया को भी तो बुला ले। क्यों सादिया को काहे को बिठाऊं? देखो लड़कियां जो होती है ना ऐसी मोटी लड़कियां, इनको दुबला होने की बहुत जरूरत होती है, तवज्जो की जरूरत होती है, वरना बड़े होके ना रिश्ते नहीं आते। चलो चलो और तेज तेज दौड़, पैरों में दम नहीं है, खाती तो इतना है, चल दौड़। नानू ये रिश्ता क्या होता है, कहाँ से मिलता है? मैं अपनी बहन को लाकर दूंगा। ज्यादा हिमायत करने की जरूरत नहीं है, अच्छा सादिया की बस बहुत हो गया। नानू प्लीज वो थक गई है। ए, ओ, बैठ जा। नानू जूस तो दे। दे रही हूँ, इसे क्या जूस दूँ, बस काफी। इतना सा? हाँ हाँ बस इतना सा ही काफी है इसके लिए, वरना मेरा सारा जो एक्सरसाइज का प्लान है ना सब गलत हो जाएगा। पर एक्सरसाइज तो सारी सादिया ने की है ना? अरे तो गाइडलाइन तो मेरी थी ना। हाँ पी पी। आज तो बड़ी देर हो गई है सर, नाश्ता भी नहीं बना, अम्मी ने तो बहुत नाराज होना। वैसे ये आंटी तुम्हारे भाइयों के घर पे क्यों नहीं रहती? आंटी क्यों बोलते? लेकिन ये बुरा लगेगा ना अगर मैं उन्हें शगुफ्ता कहूँ। नाम लेने को किसने कहा है? तो बंदा अब अपनी सास को इशारों से बुलाए हा? डार्लिंग तो अच्छा नहीं लगता। अम्मी भी तो कह सकते हैं ना। अच्छा और जो पूरी उम्र उन्हें अम्मी कहते रहे यानी तुम्हारे भाई, वो उन्हें लेकर नहीं जाते? चार दिनों के लिए आई थी, चार साल हो गए हैं। चली जाएंगी बेगम? चले तो सबने ही जाना है, लेकिन फरिश्ते को यहाँ का एड्रेस मालूम नहीं है। आई बिलीव वो पुराने घर के चक्कर लगा रहा होगा। फजूल बातें मत क्या करें आप। और जहां तक मेरे भाइयों का ताल्लुक है ना, वो लोग अपनी बीवियों से डरते हैं। ठीक है अगर आपको उनका यहाँ पर रहना पसंद नहीं है तो मैं। अरे नहीं यार, मुझे बस एक मसला है कि वो मामलात में दखल ना दिया करें, हर जगह टांग अड़ाती हैं। मेरी खाते प्लीज। थैंक यू। तुम्हारे भाइयों की बीवियों ने भी पास आकर इसी तरह खा होगा मेरी खाते। और आंटी मोहतरमा घर से निकाली रमन पा। ठीक है भाई देख। आए हाय चली नीरा, लगता है सैली कमजोर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। असद जी आंटी, मैंने नोट किया है कि इतवार वाले दिन तुम हमेशा देर से उठते हो। आपने ये नोट नहीं किया कि सादी और शामिल 10 साल के होने को आए हैं और उनके बाद कोई भी नहीं आया है? इस बात का क्या ताल्लुक? ताल्लुक है, आपका बस चले तो आप मेरा और हुमैरा का वीकेंड ही गायब कर दें। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, बच्चे कहाँ हैं? रेजगारी। क्या? अरे बच्चे रेजगारी होते हैं, लड़कियां चवन्नी और लड़के अठन्नी। कमाल हो गया, जो सिक्के स्टेट बैंक ने भी बंद कर दिए वो आप हमारे घर चला रही हैं। खैर हैं कहाँ? अपने कमरे में होंगे, वर्जिश करके आए। आज आपने फिर उन्हें वर्जिशों पर लगा दिया? तुम भी अहमक हो एक नंबर के। ये बेटियां जो होती हैं ना बांस की तरह होती हैं, यूं दिनों में बड़ी होती हैं ऐसे। देखा नहीं है सादिया को, फूल का कुप्पा हो गई, कल को अच्छे रिश्ते नहीं आएंगे। आंटी ये कल इतना पास भी नहीं है जिसे टुमारो समझा जाए, आपको अभी से रिश्तों की परेशानी हो गई है। अच्छा हो जाएगा, मेरी सादिया देखी थी जब तुमसे शादी हुई थी, कैसी दुबली पतली छरेरी सी थी वो तो आपके घर में कुछ खाने को नहीं था। क्या क्या मतलब? कुछ नहीं, मैं जरा जाके देखता हूँ कि ब्रंच स्टार्ट हुआ कि नहीं। यार टीवी स्टार्ट नहीं हो रहा, ब्रंच स्टार्ट। अरे
यार तुम्हें पता है तुम्हारी अम्मा ने बच्चों का क्या निकनेम रखा है? कुछ अच्छा ही रखा होगा। बहुत अच्छा, रेजगारी। कुछ सोच समझ कर ही रखा होगा। इस उम्र में इंसान की सोचने की सलाहियत कम हो जाती है, बंदा अंदाजों पे जिंदगी गुजार रहा होता है। आपको मेरी अम्मी से इतनी खार क्यों? साफ साफ कह क्यों नहीं देते कि मैं उन्हें यहाँ से भेज दूं? हुमैरा, आपके ख्याल में साफ साफ कैसे कहा जाता है? अच्छा सॉरी ना यार, सॉरी। क्या हो रहा है ये? वो नाश्ता तैयार है, मैं बच्चों को बुलाती हूँ। आपने कहीं कुछ होने देना है? मैं नोट कर रही हूँ कि तुम हुमैरा के साथ बहुत ज्यादा चिपकने लगे हो, और खास तौर पे छुट्टी वाले दिन। आंटी आप ये कहाँ नोट करती हैं? डायरी में क्या? खैर ये बताइए कि अंकल मरूम को जन्नत गए हुए कितना अरसा हो गया? ये तुम कैसे यकीन से कह सकते हो कि वो जन्नत नहीं होंगे? दुनिया और आखिरत में एक ही जगह सजा काटी जाती है, और ये दुनिया उन्होंने कैसे काटी है इस बात का मुझे बखूबी अंदाजा है। क्या मतलब? कुछ नहीं आप जाए ना, मैं आपके लिए चाय लेके आता हूँ आपके। हैं चले, इसमें पराठे उसी में होंगे। चलो चलो सादिया, मामा ने बुलाया है। अच्छा भाई। सादिया तुम बहुत थक गई हो ना, मैं अभी जाकर पापा को बताता हूँ कि आज नानों ने तुमसे बहुत रनिंग करवाई। नहीं तो, बट सादिया नानो तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव क्यों करती हैं? I don't know what you are asking। वो तुमसे बहुत प्यार करती हैं। प्यार तो करती हैं मगर ब्रेकफास्ट। चलो असद कहाँ है? उनका फोन आया। मैं नोट कर रही हूँ कि तुमने से बहुत डील दे रखी है, मर्दों की आदतें इसी तरह खराब होती हैं। अरे अम्मी पिछले 10 सालों में तो हुई नहीं। मर्द को बदलने में 10 मिनट नहीं लगते। अरे तुम जरा इसके फोन पे ना नजर रखा करो, ऐसा कौन सा खास फोन था जो उठ के कमरे में चला गया? बॉस का फोन है अम्मी। बॉस मर्द है या औरत? आ गई मेरी रेजगारी, कहाँ चले गए थे? नानू कल स्कूल में हमारा टेस्ट है ना, उसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। वाह भाई वाह, मुझे पूरा यकीन है कि मेरा बच्चा जीतेगा। ये क्या, पूरा पराठा दे दिया इसे? तुम कब समझोगी? अरे बच्चियों को ना एक खास हद तक खिलाना चाहिए। अम्मी जितना खाना होगा खा लेगी ना, बाकी बच जाएगा आप खाए। थोड़े से आधा करो। लड़कियों की जिस्मानी जरूरियात लड़कों से कम होती, जितना ज्यादा खाएगी ना उतना ही मोटापा गले पड़ेगा। तुम तो बस इसे खिलाए जा रही हो और पढ़ाए जा रही हो, लड़कियों को इसकी जरूरत नहीं होती। मुझे तो इसके कल से डर लग रहा है। जी सर डोंट वरी, बिल्कुल बिल्कुल, आई विल सी यू। ओके सर, बाय बाय। यार बॉस इंसिस्ट कर रहे हैं कि शाम को हम उनके घर पे डिनर पे पहुंचे, व्हाट्स योर प्लान? एज यू विश। माय विश? मैं डिनर पे जाने की बात कर रही हूँ। अच्छा ओके। यार ये तुम सारा वक्त अपने बालों के साथ क्या करती रहती हो? वो आपको पता है ना मुझे आदत। अब यार मैं महसूस कर रहा हूँ कि हमें वो पुरानी वाली मोहब्बत नहीं रही। नो पार्टीज, ना कहीं घूमना फिरना, नथिंग। ये अपनी महसूसमेंट को ना अपने पास रखिए, रात में जाएंगे ना डिनर पे। ओके ओके ओके। ये बताओ कि बच्चे कहाँ हैं? अम्मी के पास हैं, उनको टेस्ट की तैयारी करवा रही हैं। दोबारा बोलना ये मेरे कानों ने क्या सुना? बच्चों को टेस्ट की तैयारी करवा रही हैं।
अबे आंटी के फरिश्तों को भी उनके सिलेबस की खबर नहीं होगी, तुमने उन्हें रोका नहीं? रोका था, लेकिन वो तो बजिद थी कि मैथ तो वो ही पढ़ाएंगी। तुम्हारी अम्मी मूसा ख्वारज़्मी के खानदान से हैं क्या, या फिर न्यूटन की फुफेरी बहन? व्हाट फुफेरी? न्यूटन का नाम सुनते ही फुफेरी भी व्हाट हो गया, यानी न्यूटन के फुप्पो की लड़की। अरे भाई जाके खुद ही पूछ ले। जरूर जाऊंगा। तुम्हारी अम्मी हमारे बच्चों के साथ खेल सकती हैं, लेकिन हमारे बच्चों के फ्यूचर से नहीं। अरे भाई अब जाएं भी ना, मुझे शाम की तैयारी करने दे। गजब खुदा का, मैथ पढ़ाने निकली है, सारी उम्र दो दूनी पांच करके अपने शौहर को तिगनी का नाच नचाती रही। नानो बगैर बुक्स के स्टडी कैसे करेंगे? अरे भाई मैं तो तुम दोनों का टेस्ट लेना चाहती हूँ, मुझे पता है तुम्हें सब कुछ आता है। नानो क्लास में तो मैं हमेशा सेकंड ही आता हूँ, फर्स्ट तो सादी आती है। चलो एक आध बार हो गया होगा। हमेशा ही होता है, क्यों सादिया? भाई एक दो मार्क्स का ही तो डिफरेंस होता है, फिर भी मार्क्स तो तुम्हारे ही ज्यादा होते हैं। अच्छा भाई छोड़ो ये सब, मुझे पक्का यकीन है कि फर्स्ट आएगा शामिल और सादी आएगी सेकंड। आंटी क्या पोजीशंस बांटे जा रही हैं आप, दोनों ही माँ बदौलत लायक फायक असद अली की औलादे हैं, क्लास में फर्स्ट सेकंड नहीं आएंगे तो क्या मजा आएगा है? पापा नानो ने मुझसे टू का टेबल सुना, मैंने फौरन सुना दिया, नानो तो परेशान हो गई थी। अंग्रेजी में होगा क्या मतलब? नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। सादी बेटा आपने क्या सुनाया नानो को? इसकी अभी बारी नहीं आई। चलो सादिया भाई ने तो टू का टेबल सुना दिया ना, तुम ढाई का सुनाओ। पापा बेटा ढाई इज टू एंड हाफ। हाँ आंटी ढाई का पहाड़ा नहीं होता, हमारे वक्तों में तो होता था। तो आपका वक्त भी तो 1925 का था है? चलो बच्चे जाओ, पहले जमाने में ऐसे टेबल्स की जरूरत होती थी तो सिलेबस में भी होते थे, अब जरूरत नहीं है। ओके नो पापा एक मिनट, 2.5। हाँ जी 2.5, 1 is 2.5, 2.5 is 5, 2.5 3 is 7.5, 2.5 4 is 10, 2.5 5 is 10.5। बस 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 शाबाश शाबाश, देखा मैं कहता था ना कि सादिया दुनिया में सबसे इंटेलिजेंट लड़की है। वाह सादिया यू आर जीनियस। पापा टेबल्स आर सिंपल मल्टीप्लिकेशंस। एग्जैक्टली, अब तो आप खुश है ना आंटी? मेरी बला से समझ ही नहीं आया क्या बोल रही है, टूपू हो रहा है। पापा नानो ने सादिया से इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन क्यों पूछा? बेटा अल्लाह पूछेगा उनसे। छोड़ो इधर आओ, शाम में हम लोग बाहर जा रहे हैं। ओके खूब मजा करेंगे, ये टेबल शेबल घर पे रख के जाना। ओके लव यू बोथ। लव यू टू पापा। ओ मोटी रेजगारी क्या कर रही है? मैं नोट कर रही हूँ, तू चबन्नी से ना रुपया बनती जा रही है। नानू भूख लग रही है। ऐसे ही खा खा के ना मोटी भैंस बन गई है, तेरे अम्मा अब्बा को तो तेरा ख्याल है नहीं, मुझे ही तेरा ध्यान रखना पड़ता है। रुको जी, देखो अपना ख्याल रखो, कसम खुदा का इस घर का वाहिद लड़का इतना नहीं खाता जितना तू चुरा चुरा के ठूसती रहती है। नानू मैं चोरी नहीं करती। अच्छा अब तो मुझे समझाएगी है? बस खाना खाना सबके साथ रात को। जी। सब खुदा का भाई लड़कों को खिलाना पिलाना चाहिए, उन्हें जमाने की धूप का सामना करना होता है, लड़कियों का क्या है, है? ब्याह के अपने घर चली जाती हैं, सारा बोझ तो लड़कों को उठाना पड़ता है। हम माफ करे तौबा तौबा, हमारे वक्त में ये नहीं होता। फ्रिज भी खुला छोड़ गई मुट्ठी। क्या हुआ सादिया तुम इतनी जल्दी आ गई? I'm not hungry भाई। But you just told me you are starving। I was lying। No, you never lie। क्या हुआ सादिया किसी ने कुछ कहा है?
नानो ने? ये पकड़ो, गेम पॉज है, खेलना मत, मैं अभी आया। ये लो सादिया, यहाँ तुम्हें कोई नहीं रुकेगा। थैंक यू भाई। यू वेलकम। भाई आप भी खाओ ना। नहीं मुझे भूख नहीं है, तुम सारा खा लो। मैं देख रही हूँ आजकल आप बहुत बदतरहेजी कर रही हैं, दवा नहीं ले रही मगर। दवाएं खा खा के ना मैं तो तंग आ गई हूँ भाई, कितनी दवा खाऊं। लाओ। तोबा। हाँ तो क्या कह रही थी, मैं लापरवाह हो गई हूँ। रेजगारी की फिक्र तो है नहीं तुम लोगों को, सारा दिन मैं उनके पीछे 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 घूमती रहती हूँ, हलकान हो जाती हूँ। एक बात बोलूं मैं? हाँ कहो, अब बोलो भी। ये तो आप बात बात पे बच्चों को टोकती रहती है ना, असद को बिल्कुल पसंद नहीं है, वो कुछ कहते नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ। ओहो, तुम्हारी ये दरिंदा सिफत शौहर जो है, मेरे आगे जब बात करने की हिम्मत नहीं होती तो तुम्हें आगे कर देते। अरे उन्होंने कुछ नहीं कहा भाई। ओ उन्होंने, समझती हो कि वो इतनी इज्जत के काबिल है? जी जी, और नहीं तो क्या, इस जैसे लापरवाह शख्स कभी अच्छे शौहर साबित नहीं होते। पिछले 10 साल से तो साबित कर ही रहे हैं खुद। मैंने नोट किया है कि तुम उस फक्कड़ की खातिर बात बात पे उसकी हिमायत करती हो और अपनी माँ को झुटला देती हो। मी? फक्कड़ का मतलब तो गरीब होता है, असद कहाँ से गरीब हो गए? मैंने ये लफ्ज छछुंदर के मुतबादिल कहा है, तुम अगर कहो और बुरा ना मानो तो मैं उसे छछुंदर ही कहूँ। नहीं नहीं, फक्कड़ ही ठीक है भाई। अच्छा सुने, वो रात में ना हमने असद के बॉस के घर पे डिनर पे जाना है, थोड़ा लेट हो जाएंगे। ठीक है जाओ। तुम्हें क्या हुआ है? अम्मी नाराज हो गई। वो जा रही है यहाँ से? नहीं, तारीख में जब भी कोई नाराज होता है तो वो घर से जरूर जाता है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। चलो तारीख में कुछ चीजें पहली बार भी होती हैं कि बंदा नाराज भी हो और जाने का भी नाम है। वैसे उन्हें हुआ क्या? पता नहीं। वैसे ये एबिलिटी भी सिर्फ तुम्हारी अम्मा में है, कुछ ना भी हो तब भी मुंह बना लेगी। आपको यहाँ मजाक सूझ रहा है? मुझे वहां पर अम्मी की नाराजगी की फिक्र खाई जा रही है। तुम आंटी की फिक्र ना करो, वो बिला वजह भी मुंह बनाने में माहिर है। सुसर मरहूम से ऐसा मुंह बनाया कि वो शादी के 45 में से 40 साल मस्कत में फैक्ट्रियों के पाइप कसते रहे और आंटी को कोसते रहे। अब ऐसा भी नहीं है, अम्मी अब्बू ने बहुत हैप्पी लाइफ गुजारी है और उन दोनों के प्यार की निशानियां मेरे दो भाई और एक मैं बेटी हूँ उनकी। 45 में से अगर 40 निकाले तो 5 साल बचते हैं, और तुम तीनों पहले 5 सालों की ही मोहब्बत का हासिल हो, आखिरी की 4 दहाइयां तो नागा ही रहा। मेरी अम्मी तो आपको एक आंख नहीं भाती है सर। तो वो मुझे कौन सा तकरीम और तौकीर की निगाह से देखती हैं? खैर अब जबकि नाराज होने के बावजूद वो यहीं पे कयाम पजीर हैं, तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि कोई डेवलपमेंट होगी, सो मैं तो चला बच्चों के पास। सी यू। क्वेश्चन पिछली बार भी ठीक था हमारे। यस, यू और मी, वी विल बी 10 out of 10। लेट्स सी। हाँ भाई मेरे होनहार बच्चों, क्या चल रहा है? पापा कुछ देर पहले तो चल रहा था, बट आप लेट हैं। चलो कोई बात नहीं, ये पिज्जा किसने खाया? पापा मैंने।
तो बेटा घर में जो डाइनिंग टेबल है उसका क्या करना है? पापा पापा वो से आगे नथिंग। मुझसे कुछ छुपा रहे हो? आई एम योर फ्रेंड। वो पापा भाई का कहना है कि कल वो फर्स्ट आएंगे। भाई तुम दोनों ही फर्स्ट हो। आखिर जिनका बाप इतना इंटेलिजेंट स्टूडेंट रहा हो उसके बच्चे तो जीनियस ही होंगे ना। सर पापा आप बहुत इंटेलिजेंट है। अरे वैसा वैसा यार क्या जी था? जी आपके पापा तो ऐसे शाइनिंग स्टूडेंट थे कि टीचर एग्जाम्पल के तौर पे पूरा वक्त इनको क्लास में खड़ा रखती थी। बेगम हमने तो आपकी मार्कशीट कभी नहीं देखी। मार्कशीट 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 हाँ हाँ बताओ बताओ। वो बच्चों हमारे जमाने में मार्कशीट वगैरह नहीं होती थी। बस क्लास में बता दिया जाता था कि असद अली ने टॉप किया। हाँ और ये मान लेते थे। वैसे एक मार्कशीट इनकी मैंने देखी है। कितने मार्क्स थे? हुमैरा बच्चों के सामने समझ रही हूँ ना थोड़ी इज्जत रख लो। हाँ हाँ तुम्हारे पापा बेस्ट स्टूडेंट थे। थैंक यू बेगम। मामा आप सच बोल रही है ना? अरे मामा कभी झूठ नहीं बोलती। अच्छा चलो प्लीज चेंज वी आर ऑल गोइंग आउट फॉर डिनर। ओके नानू भी? नहीं बेटा नानू को रेस्ट करना है ना। गेट रेडी जल्दी से। चलो चलो जल्दी करो लव देर हो जाएगी। बॉस टाइम के बहुत पाबंद है। अरे सादिया और शामिल तो आ जाए। शामिल सादिया का है? मामा सादिया कह रही उसे नहीं जाना। क्यों सादिया? सादिया बेटे इधर आइए। यार क्या बात हुई क्या हुआ? सादिया क्या हुआ बेटा आप क्यों नहीं जा रही? मम्मा नानू घर में अकेली हैं किसी को तो उनके पास होना चाहिए। बेटा ये क्या बात हुई? मेरे बॉस ने हम सबको बुलाया है द कंप्लीट फैमिली। नानू भी तो हमारी फैमिली है। बट पापा नानू तो सादिया को पसंद ही नहीं करती। फिर भी ये उनके लिए रुक रही है। व्हाट? अभी देखता हूँ मैं तुम्हारी। असल असल झुके। कहाँ रख दिया पता नहीं। घर में कोई चीज थी। आंटी मैं क्या सुन रहा हूँ? आप सादिया को पसंद नहीं करती? हाँ वजह जान सकता हूँ? मैं वजह बताना जरूरी नहीं समझती। मैं उसका बाप हूँ और मैं आपको उसके साथ ऐसा बिहेव हरगिज नहीं करने दूंगा। बताऊँ तो मैं? बताएं। बताऊँ? हाँ बताती हूँ अभी। आंटी आप नहीं कर सकती। कानून हाथ में नहीं ले सकती। मैं कानून हाथ में ले चुकी हूँ। अरे नहीं नहीं असद असद क्या हुआ क्या सोच रहे थे? वो मैं ये सोच रहा था कि वापस आके तुम्हारी अम्मा से दो टोक बात करूंगा और तुम मेरे साथ रहोगी ताकि वो कानून हाथ में ना ले। क्या क्या मतलब? She is a very dangerous woman. Very dangerous she is. क्या कह रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पापा प्लीज आप नान को कुछ नहीं कहेंगे। क्यों क्यों नहीं कहूँगा? वो हम सबसे बहुत प्यार करती हैं और वो मुझे भी लाइक करती हैं। बेटा ये आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है। वो तो मुझे भी लाइक नहीं करती हैं। पापा किसी को स्ट्रॉबेरी का ट्री पसंद हो ना हो लेकिन स्ट्रॉबेरी पसंद हो सकती है। अरे वाह लाजवाब कर दिया इसने तो। शी स्मार्ट मोर देन वी थिंक। सादिया बेटा फोन रखो अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो आप पापा के फोन पे फोन करना। हम लोग दो तीन घंटे में वापस आ जाएंगे ठीक है। See you. यार सीरियसली हमें आंटी से बात करनी चाहिए। वो सादिया के साथ इस तरह कैसे मिसबिहेव कर सकती है? बात सिर्फ ये है कि मेरे भाइयों की सिर्फ बेटियां हैं इस वजह से वो यहाँ पर शामिल पर ज्यादा अहमियत देती हैं। बच्चों में लड़के लड़कियों में डिस्क्रिमिनेशन नहीं अच्छी लगती है और सादिया ज्यादा समझदार है। पता नहीं आंटी ऐसा क्यों सोचती है। अच्छा आप मूड नहीं ऑफ करें चल। कभी उसके मोटापे को लेकर ताने कसती हैं और कभी अभी से उसके रिश्ते के लिए फिक्रमंद हो रही है।
उनको ये बात समझनी चाहिए कि बच्चे इस उम्र में हेल्दी अच्छे लगते हैं, मगर चले बस ना, मुझे सादिया को छोड़ के जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आप कुछ ज्यादा ही सीरियस हो। कुछ नहीं होता, अगर वो ना जाने पे बजट है तो ठीक है, उसकी मर्जी। अरे आ गए आप अपना नया वीडियो गेम लेकर? यस। आखिर अपने दोस्तों को भी तो दिखाना है ना, चले चलो लेट्स गो। अच्छा सब लोग तो चले गए, नानू को तो किसी ने खाना ही नहीं दिया। हो सकता है नानू को भूख लगी हो, मैं उन्हें खाना देती हूँ। ओ मोटी, गई नहीं? नहीं नानू, मैं आपके पास रुक गई। आप कुछ खा लें, फिर आपको मेडिसिन भी तो लेनी है। रखो, खुद तो चले गए, तुम्हें छोड़ गए मेरा दिमाग खाने के लिए। बस बस ठीक है। नानू आप मुझसे नाराज है क्या? नहीं नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। हमारे खानदान में ढेर जो लग गया है लड़कियों का, और तुम उन सबसे अलग हो। चलो अब जाओ। बट नानू आई लव यू। अच्छा अच्छा चलो ठीक है। तुम्हारे अम्मा अब्बा है ना, हर वक्त यही कहते सादिया बहुत जहीन है, जहानत को चाटना है, है? अरे लड़कियां होती हैं दुबली पतली स्मार्ट सी, और तुम अपना हुलिया देखो, भैंस जैसी हो गई हो, अब बड़ी हो के अल्लाह जाने क्या बन जाओगी। अच्छा चलो जाओ, अब जाओ। तो तूने कौन सा पहाड़ तोड़ा है जो तू थक गई है? मुझे पक्का यकीन है कि इस बार शामिल फर्स्ट आएगा और सादिया सेकंड। पूरा पराठा दे दिया, तुम कब समझोगी? अरे बच्चियों को ना एक खास हद तक खिलाना चाहिए, जितना ज्यादा खाएगी ना उतना ही मोटापा गले पड़ेगा। तुम तो बस इसे खिलाए जा रही हो और पढ़ाए जा रही हो, लड़कियों को इसकी जरूरत नहीं होती। नहीं नानू, जो चाहे कर ले, मैं आज उनको मना कर ही रहूंगी। ये ना हो पापा वापस आकर नान से फाइट करें। नानू, 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 नान
यार और कितनी देर लगेगी? बस सर 2 मिनट। हाँ बेटा। हेलो पापा, आप कहाँ हैं? कितनी देर में आएंगे? मेरी जान वापस घर ही आ रहे थे, रास्ते में गाड़ी खराब हो गई है। क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना? पापा, पापा नानू बेहोश हो गई हैं। क्या? वो पापा मैं नानू के रूम में गई। हेलो पापा। बेटा कब के आप? हेलो हेलो, इसको भी अभी डेड होना था। क्या हुआ सर? आंटी की तबीयत खराब है। असर इट्स ओके, रिलैक्स, कुछ नहीं होगा यार, जल्दी कर यार। बस सर हो गई 2 मिनट, इमरजेंसी हो गई है। असर अम्मी, परेशान नहीं हो, कुछ नहीं होगा। ओ मेरे भाई, खुदा का वास्ता है यार, जल्दी कर दे यार। सर चेक करें। कुछ नहीं है। हॉस्पिटल, इट्स इमरजेंसी, मेरी नानू बेहोश हो गई हैं, ब्लड प्रेशर का इशू है। एड्रेस लिखें, प्लॉट 1 जी 10 ऑर्मन जी 10 ऑर्मन। जल्दी आए प्लीज, मेरी नानू बेहोश हो गई हैं जी। अल्लाह हाफिज़। क्या हुआ था मुझे? माँ जी, आपकी किस्मत अच्छी थी कि आपको कुछ नहीं हुआ, बल्कि मैं इसका क्रेडिट इस बच्ची की जहानत और बहादुरी को दूंगा, जिसने परेशानी के बावजूद बरवक्त हॉस्पिटल इमरजेंसी में फोन कर दिया, वरना शायद, खैर अब ये खतरे से बाहर। थैंक यू डॉक्टर साहब, आइए। नाना अब ठीक है ना? मैं तो डर ही गया था। बी ब्रेव शामिल, बड़े हो गए आप। सादिया को देखो, कैसे अकेले नानों को संभाल लिया। शुक्र है कि ये यहीं थी। सादिया। जी नानू। बेटा मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। नानू आप बहुत अच्छी हैं। मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ। मैंने हमेशा तुम्हारे मोटापे पर तंकीद की, मुझे माफ कर दो बेटा। नानू बड़े बच्चों से माफी नहीं मांगते। वो तुमने मुझे अंग्रेजी में क्या कहा था? वो आई
I love you, Nanu. I love you too. आंटी काश आपने सुसर मरुम के सामने भी ये जुमला कहा होता। तुम बाज मत आना। अच्छा मैं ये बताएं, आज आपने क्या नोट किया? आज मैंने ये नोट किया है कि हम इंसान के जाहिर को देखते हैं, उसके अंदर छुपी हुई सलाहियत को नहीं। बच्चे रेजगारी नहीं होते, लड़कियां चवन्नी नहीं होती और कोई लड़की अठन्नी नहीं होते। फर्क सिर्फ ये होता है कि सबसे ज्यादा काबिल कौन है। बस हमारी सादिया तो बहुत बहादुर है। अरे मैं भी बचपन में ऐसी बहादुर थी। जी आप तो बहुत बहादुर थी। आपने तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ी है हिटलर के साथ, ये भी बताएं ना बच्चों को। ओए मोटी, ओए मोटी, तेरे जैसी नहीं कोई। ओए